नमस्कार, मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं जेके खबरनाव। जब से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बिगुल बजे हैं, तब से वहां की अधिकतर पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। कुछ सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी में है, साथ ही कई लोगों के समर्थन की भी तैयारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी, इस बार जम्मू कश्मीर में फंसती नजर आ रही है। यह तो अलग बात है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी का गठबंधन हो चुका है और दोनों के नेताओं ने मिलकर संयुक्त रूप से बयान साझा कर दिए हैं कि हम दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात देंगे। लेकिन क्या ये जुबानी मात देंगे? ये सवाल मैं क्यों खड़ा कर रहा हूं, इसके पीछे का कारण अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। जी, भारतीय जनता पार्टी जहां केंद्रीय से लेकर के राज्य के नेता जम्मू कश्मीर में उतर चुके हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं, धरातल पर उनके कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं, वही कांग्रेस पार्टी अभी तक पसोपेश में है। क्या करें, उनके नेता कहां नजर आ रहे हैं? क्या दिल्ली में बैठकर जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ा जाएगा? एनसी में और कांग्रेस में जो गठबंधन का फॉर्मूला तय हुआ है उसमें 50 से अधिक सीटों पर एनसी लड़ रही है और 30 से कुछ ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, और कहा क्या जा रहा है कि 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगा। वाह, जिस पार्टी का जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री रहा है, जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, जिसके पूरे देश में जनाधार है, वो अगर फ्रेंडली फाइट की बात कर रहा है और एक स्टेट की पार्टी के सामने घुटने टेक रहा है, तो ये बात आसानी से समझ में आती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस लगता है कि जम्मू कश्मीर में इस बार पूरी तैयारी के साथ नहीं उतर रही है और एनसी के सामने एक छोटे प्लेयर के रूप में सामने नजर आ रही है। इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मात देना है और एनसी कांग्रेस सच में मिलकर लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के उद्देश्य से लड़ रही है, तो कांग्रेस को मजबूती के साथ अपने कदम दिखाने होंगे, आगे करने होंगे। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में परिणाम किधर की ओर जाते हैं, लेकिन इतना अभी तक तो स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के चुनाव में अभी बैकफुट पर नजर आ रही है। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल जेके खबरनाव को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।